झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। रविता पहाड़िया हत्याकांड मामले पर विपक्ष ने दिलदार अंसारी को फांसी देने की मांग को लेकर हंगामा किया। झारखंड के इस्लामीकरण बंद करो, रविता पहाड़िया के हत्यारे दिलदार अंसारी को फांसी दो, कोयला चोरी बंद करो के नारे लगाए। विपक्ष के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि इस राज्य में न तो जनता सुरक्षित है और न ही खान खदानी। कहा कि ये सरकार की मंशा जनता को सुविधा नहीं देना है बल्कि अपने लिए माल बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या बलात्कार की घटनाएं आम है। एक आदिम जनजाति की महिला को टुकड़े टुकड़े में काटा जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कहा कि नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने शुरू में ही आवाज उठाया था लेकिन सरकार नहीं मानी। अब कोर्ट ने सरकार के गलत नियोजन नीति को खारिज कर दिया है। अभी जो रविका जो पहाड़ी है पहाड़िया है उसकी भी जो जघन्य हत्या कर दी गई, टुकड़ों में काटी गई, उस बेटी को भी मारने वाला कौन है? जघन्य हत्या करने वाला कौन है? मुसलमान दिलशाद अंसारी और उसका पूरा कुनबा, पूरा परिवार। आखिर इन अपराधियों का मन क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है कि सरकार का खुला संरक्षण ऐसे लोगों को मिला है। संरक्षण क्यों न मिले? सरकार अब मन क्यों न बढ़े? जब सरकार के तरफ से राज्यादेश होगा कि कोई अगर गौ तस्कर गाड़ी लेकर जा रहा है तो उसकी गाड़ी को कोई पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, तो आप ही बताइए ये जो मुस्लिम अपराधी है उनका मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा साफ साफ आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर है कि हेमंत सोरेन जी अपने सत्ता की मलाई चाटने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं जो झारखंड के हक में नहीं है। झारखंड जल रहा है, झारखंड में आग लग जाएगा, झारखंड को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।